हलचल टीवी न्यूज। एक काम से पहले वाला रुक गया तू। वो लड़की जो दिन अशोक के साथ थी, वो यही है। देख ले, इतनी दी कहीं कहाँ है? जब उसको डर। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। अगर तुम नहीं ला सके, तो लौटने का प्रयत्न भी मत करना। अब तुम जाओ उधर का उस दिशा में। इतना आ गया, बस देखते रह देखे हम। खड़े रहे। हाँ, इधर रहे हो। सीरियल अशोक में दरअसल हुआ ये कि अशोक भागते आ रहे हैं नजर, और वो भी कौरवकी के पीछे, क्योंकि वो हो गई हैं नाराज अशोक से, और वो कौरवकी के पीछे पीछे जा रहे हैं बताने के लिए उन्हें सच। वहीं दूसरी तरफ कौरवकी भाग रही हैं क्योंकि उनके पीछे लग गए हैं सेनापति, और कौरवकी उनसे बचते आ रही है नजर। ये तलाश नहीं चल रही है। ये कौरव की मुझसे रुष्ट हो गई, तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ। मैं उसे अपनी सत्यता बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो सुना उसे लगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसे लगता है कि मेरे पिता सम्राट बिंदुसार उसके पिता के साथ विश्वासघात किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे यही बताना चाहता हूँ, बट वो ये बात सुनने से पहले भाग जाती है। तो इसलिए उसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कौरव की। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे पिता हमारे हित के लिए सोचते हैं, और मैं मौर्य वंशी हूँ, क्योंकि मुझे ये सब तुमसे छुपाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं मुझे इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। तो अशोक ने मुंह क्यों ढका हुआ है, चेहरा छुपा? क्योंकि मैं अशोक हूँ। अब यहाँ के लोग जितने भी सब जान चुके हैं कि मैं राजकुमार अशोक हूँ। किसी ने भी मुझे देख लिया, या भैरव भी, आपने देखा होगा भैरव, अगर मुझे भैरव देख लिया तो मुझे पकड़ के डायरेक्ट फिर से ले जाएगा मारने। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक प्लान बना के जाऊँ, बिकॉज अब मुझे पता चल गया कि अमात्य राक्षस, जिसको हम अभी तक बनते बुधेश्वर के नाम से जानते थे, वो डिस्गाइज बन के आए थे, तो मुझे ये भी पता चल गया कि वो अमात्य राक्षस हैं। तो अब मुझे एक अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा कीचक को मारने के लिए। भैरव को देख के क्यों भाग गए? भैरव भी कीचक का, मतलब कीचक के वो है ना, सेनापति हैं, तो अगर वो मुझे देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा फिर होगा, इसलिए कौन करे लड़ाई झगड़ा, शांति से इधर आ गया मैं। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।